Hello, hi, I'm Aditi Dev Sharma and you're watching me on Cine Talkers. जी हमारे ऑफिस में कुछ क्राइसिस हो गई है, कुछ इल्ज़ाम लगे हैं मिस्टर वियान रघुवंशी पे, जिसके लिए एक कमेटी बैठी है एंड सारे बोर्ड मेंबर्स हैं उसमें, और उसमें ही मुझे बुलाया जाता है और बोला जाता है टू टेक पार्ट इन द होल थिंग एंड मेरा भी डिसीजन उसमें इम्पॉर्टेंट होगा, जो मुझे इनिशियली मैं बहुत नर्वस हो जाती हूँ सुन के, लेकिन फिर ऐसा कुछ होता है कि मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करती हूँ। देखा जाए तो विवान का भी है, तो विवान की अपेक्षा आप कैसा पॉजिटिव अपना ले पाओगे या निगेटिव लोगे विवान का? वियान के लिए एक्चुअली मैं मेरी मतलब कथा और वियान की दोस्ती बढ़ रही थी और ये एकदम से ऐसा कुछ हो गया। इनिशियली तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मे बी आई वॉज रॉन्ग इन जजिंग अ पर्सन अगेन, और मैंने गलत समझा, लेकिन फिर ऐसा कुछ होता है ना, आई फील कि मे बी ही इज़ नॉट रॉन्ग एंड दैट्स द रीज़न आई कम बैक। ऐसा कुछ होता है आई कम बैक एंड आई से कि नहीं, आई विल टेक अप दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मैं आई थिंक पूरी कोशिश करेगी कथा टू बी वेरी नॉन बायस्ड और न्यूट्रल होके दोनों साइड्स को देख के फिर अपना ओपिनियन बताएगी। देखा जाए तो कथा के कैरेक्टर को काफ़ी सारे लोग पसंद कर रहे हैं जी, स्टॉक वूमन करके, तो उन फैंस को क्या मैसेज दोगे आप? सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी टू ऑल द व्यूअर्स हू वॉचिंग अ शो कथा एंड हू गिविंग सो मच लव एंड सो मच लव, आई कैन टेल यू आई एम गेटिंग सो मच लव एंड दे लविंग ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ द शो, दे आर लविंग अ शो एंड मुझे बहुत सारे लोगों ने पर्सनली अप्रोच किया, मतलब ऑन सोशल मीडिया एंड अदरवाइज ऑल्सो लॉट ऑफ विजिटर्स कम ऑन सेट एंड हु टेल अस कि उनको ये कथा का जो मेरा कैरेक्टर है वो बहुत अच्छा लगता है, उन्हें बहुत इंस्पायर करता है। सो इट्स अमेजिंग एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, कथा का कैरेक्टर ऑन अ पर्सनल लेवल मुझे भी बहुत इंस्पायर करता है एंड आई थिंक दैट्स वन रीज़न आई टुक अप कथा, बिकॉज आई फील कि लड़का या लड़की की बात नहीं है, आई थिंक हर इंसान में वो स्ट्रेंथ होती है, लेकिन एडवर्सिटी के दौरान कभी कोई आपकी लाइफ में कोई जब बुरा टाइम आता है तो हम हमारी जो स्ट्रेंथ होती है हमारे अंदर ही होती है, बट वी आर नॉट अवेयर कि हम में इतनी स्ट्रेंथ है। तो जैसे कथा की लाइफ में एंड आई थिंक दैट्स हाउ शी गेट्स दैट स्ट्रेंथ एंड आई थिंक शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, मुझे कैरेक्टर प्ले करने में बहुत मज़ा आता है एंड आई फील वेरी गुड एंड आई फील मैं ये बहुत रिलेटेबल है, इट्स वेरी नेक्स्ट हो, कथा इज़ वेरी नेक्स्ट हो एंड बस यार इट्स ब्यूटिफुल टू प्ले कथा, समबडी हु सो फुल ऑफ लाइफ, समबडी जिसकी लाइफ में कुछ बुरा होने के बाद में भी वो पॉजिटिवली लाइफ में शी इज़ मूविंग ऑन। कथा ने कैसे सेलिब्रेट किया, अदिति ने कैसे सेलिब्रेट किया? ओह तो हमारी ये होली जो थी ये मतलब कथा मेरे कैरेक्टर के लिए बहुत स्पेशल थी, बिकॉज आदि जब से इसकी लाइफ से गया इसने होली नहीं खेली है, और उसके बाद ये वाले होली में जब वो अपने ससुराल के घर जाती है तो वो लोग उसे कहते हैं कि हमने तुम्हें बेटी मान लिया, विच इज़ आई थिंक अ वेरी ब्यूटीफुल सीन जहाँ पे उसके इन लॉज कहते हैं कि तुम हमारी बहू नहीं हो, बेटी हो, वी जस्ट वॉन्ट कि तुम होली खेलो हमारे साथ। सो बहुत अच्छा था ये कथा के लिए वो मोमेंट, और मेरी लाइफ में आई थिंक होली इज़ माई फेवरेट फेस्टिवल, आई ऑलवेज प्ले होली, आई नेवर मिस इट, मेरे बोर्ड एग्जाम्स के बीच में 10th 12th में जैसे आती ही है होली, मैंने उन दौरान भी मैंने होली खेली थी, और इस साल भी मैं रंगों के साथ ही खेलती हूँ और विद माई फैमिली एंड फ्रेंड्स। हर होली आई थिंक सो मैनी होलीज हैव बीन सो मेमोरेबल, आई थिंक मेरे जो मेरे कॉलेज की होलीज बहुत अच्छी थी, और वो हम प्री होली बनाते थे क्योंकि फिर मैं दिल्ली में पढ़ती थी और सब अपने अपने घर लखनऊ जा, मतलब मैं लखनऊ जाती थी, बाकी लोग और कहीं कहीं जाते थे, तो उसमें हम प्री होली बनाते थे, होली के पहले ही बॉलीवुड के गाने लगा के खूब तेज़ तेज़ नाचते थे और इतने सारे पानी के गुब्बारे फुला के रैंडम स्ट्रेंजर्स पे मारते थे, जो बहुत गलत था। जब बॉम्बे में आई किसी ने मुझ पर मारा गुब्बारा एंड आई वाज फीलिंग, मैं किसी काम से जा रही थी होली के पहले, तो मुझे लगा पूरे लाइफ मैं लोगों को ऐसा करती थी इसीलिए किसी ने मुझे भी मारा। तो आई थिंक बहुत मस्ती की, होली इज़ ब्यूटिफुल, आई लव इट, थैंक यू सो मच, थैंक यू।